कश्मीर को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षण जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। अपने ट्विटर के जरिए जीतन राम मांझी ने कहा है कि कश्मीर को अगर शांत करना है तो बिहारियों को सौंप दिया जाए। जीतन राम मांझी ऐसे बयान पहले भी देते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बातें ट्वीट कर कही है। जीतन राम मांझी ने 18 मार्च के अपने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि हमने पूर्व में ही कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आतंकी साजिश है, जिसको दिखाकर कश्मीर में खौफ और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर में घटी आतंकी वारदातों ने मेरी बात को सही साबित किया है। मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर कश्मीर को शांत करना है तो उसे हम बिहारियों को सौंप दे, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले 18 मार्च को भी पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि द कश्मीर फाइल्स आतंकवादियों या गहरी साजिश भी हो सकती है, जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ और डर का माहौल बना रहे हैं, ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण फिर से कश्मीर न लौट जाए। जीतन राम मांझी ने मांग की थी कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म यूनिट के सदस्यों की आतंकी कनेक्शन की सरकार को जांच करवानी चाहिए। दरअसल कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। अधिकारियों से लेकर मजदूर आतंकियों के निशाने पर हैं। ताजा घटनाक्रम के अनुसार जम्मू कश्मीर में बिहार के वैशाली जिले के एक मजदूर की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।